आशीष जी, इंटरोगेशन के आधार पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इसका किस तरह का मतलब निकाला जाए आगे के लिए? जी देखिए, बहुत बड़ा फैसला है, हम लोग बात भी कर रहे थे, आप भी साथ में थे वकील से, ये एक बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा है, अभी पूरा फैसला आ जाएगा तो समझेंगे, कि हमने ये साफ तौर पर पाया है कि मियर इंटरोगेशन के बेस पे, यानी इंटरोगेशन मतलब पूछताछ, मतलब जो बाकी लोगों से पूछताछ हुई है, चाहे वो खुद हों, एक्यूज खुद हों, उनसे पूछताछ के आधार पर आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अब किस आधार पर आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, क्या गिरफ्तारी की, आपके पास भले ही सारा मटेरियल है लेकिन गिरफ्तारी की जरूरत है कि नहीं है, ये तमाम चीजें जो हैं वो लार्जर बेंच में भेज दी गई हैं, क्योंकि लार्जर बेंच ही इस मामले में क्योंकि जो पीएमएलए पे पहला जो फैसला था वो तीन जजेस का फैसला था, जो रिव्यू चल रहा है वो तीन जजेस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ दो जज थे। अच्छा। तो इन्होंने इसलिए लार्जर बेंच में वो पूरा इश्यू भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को राहत ये है कि वो अंतरिम बेल उनको दे दी गई है, तीन जज की बेंच जब बनेगी बनेगी, जब सुनवाई होगी होगी, अगर वो सीबीआई केस में जमानत पा जाते हैं या अंतरिम जमानत पा जाते हैं तो उनके पास एक नया रास्ता खुला है जेल से बाहर आने का। हालांकि उनको उम्मीद ये होगी कि आज उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दे दिया जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर पीएमएलए के जो कठोर प्रावधान है और एजेंसी की जो असीमित जो ताकत थी, उस पर एक इस कड़ी में एक और बार अंकुश लगाया गया है कि आप इस तरीके से खाली किसी ने कह दिया पूछताछ में कि इन्होंने ये किया था, है ना, या पूछताछ में आरोपी ने कोई बात छुपा ली या नहीं बताई, वो सुप्रीम कोर्ट का पहले भी एक जजमेंट है कि सिर्फ आरोपी के समन की तामील ना करने और पूछताछ में सहयोग ना देने का आधार गिरफ्तारी नहीं हो सकता है, ये उन्होंने पहले एक बेंच ने कहा है। आज एक नया ये फैसला आ गया है कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर, इंटरोगेशन के आधार पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दलील अरविंद केजरीवाल लगातार दे रहे थे कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केवल बयानों के आधार पर। एक और बात थी, वो तो अब इन्होंने बोल दिया, वो ये भी कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, मामला 2022 से चला आ रहा है, जब सीबीआई ने जब शुरू में उनको बुलाया था, अगस्त 2022 से शुरू हुआ था, हाँ 22 से चला रहा है, वो लगातार यहाँ पर मौजूद थे, जब एजेंसी ने सीबीआई ने पूछताछ में बुलाया था तो अपीयर भी हुए थे सीबीआई के सामने, तो वो ये कह रहे थे कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, ना मनी ट्रेल है, मनीष सिसोदिया इसी केस में अंदर है, इतने सारे लोग इतने केस में अंदर है, वो ये भी कह रहे थे कि उनके गिरफ्तारी की जरूरत क्या है, ठीक है, तो वो जो गिरफ्तारी की जरूरत और गिरफ्तारी का आधार, पीएमएलए के सेक्टर 19 में एक बहुत बड़ी बात है कि रीजन बिलीव करना चाहिए कि यही जो है आरोपी हैं, रीजन टू बिलीव जिसे बोलते हैं, हाँ हाँ, और रीजन टू बिलीव टू अरेस्ट के भाई इसमें बनता है कि इसको गिरफ्तार करना चाहिए, तो ये एक असीमित अधिकार थे, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करने की बात की है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर का बिलीविंग, उन्होंने साफ कहा कि पावर ऑफ ऑफिसर एंड पावर ऑफ कोर्ट इज डिफरेंट, यानी जो अफसर है ईडी का उसकी शक्ति अलग किस्म की है और कोर्ट की शक्ति अलग किस्म की है। अफसर गिरफ्त हो सकता है कि एक अफसर को लगे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो बिलीव करते हैं, हो सकता है कोर्ट को ना लगे, नहीं लगे, हाँ, कि गिरफ्तारी की जरूरत है कि नहीं है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी बेंच में तीन जजेस की भेज दिया गया है। सीजीआई अब डिसाइड करेंगे ये बेंच कब बनेगी, कौन सुनेगा, लेकिन पीएमएलए का जो पुराना फैसला है उसके लिए तीन जजेस की बेंच पहले से है, उस पर कुछ चीजों पर रिव्यू उस पर चल रहा है, तो वो रिव्यू बेंच है वो भी सुन रही है, हो सकता है उसी में ये मामले ट्रांसफर हो, तो उसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ी जो आज का लबोलुआब आप हम इसे समझेंगे आम लोगों के लिए, वो सीधा सीधा है, अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर जमानत दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन से ज्यादा वो अंदर है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कुछ चुने हुए प्रतिनिधि हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि वो पद छोड़े या ना छोड़े, ये उन पर है, हम नहीं कह सकते, यानी साफ कर दिया कि अदालत किसी चुने हुए जो पदाधिकारी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरी, उनको नहीं बता सकती, एक ये भी बड़ी बात है। तीसरी बात, उन्होंने अंतरिम जमानत तो दी है लेकिन गिरफ्तारी के आधार, गिरफ्तारी हो या ना हो, गिरफ्तारी की जरूरत, उस पूरे मुद्दे को लार्जर बेंच में भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो एलिगेशन बार बार लगते हैं एजेंसीज के ऊपर कि वो इशारे पर काम करते हैं सत्ता पक्ष के, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक अदालत होने के नाते, कस्टोडियन ऑफ जो फंडामेंटल राइट होने के नाते, वो कहाँ तक इसमें दखल दे सकता है, वो ये देख रहे हैं कि एक ऐसी गाइडलाइन तैयार की जाए कि इन इन चीज़ों के आधार पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी के आधार और गिरफ्तारी की जरूरत, यहाँ पर रीजन टू बिलीव यानी मानने के, कि मुझे भरोसा है कि इसे गिरफ्तार करना चाहिए, ये अफसर सोच रहा है,
और कोर्ट अगर ऐसा सोच रहा है तो बात अलग है, लेकिन कोर्ट अगर ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, केस तो बिना गिरफ्तारी के भी चलते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बिना गिरफ्तारी के केस ट्रायल चलते हैं, तो ये जो सब चीजें हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी बात है कि बहुत कठोर प्रावधान है, एक बार गिरफ्तारी हो जाए तो बेल जल्दी से पीएमएलए मिलती नहीं है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एक ऐसे रोबस्ट सिस्टम तैयार हो प्रक्रिया कि पीएमएलए जैसे एक कठोर प्रावधान वाले केस में गिरफ्तारी तभी हो जब गिरफ्तारी की जरूरत हो। तो ये आखिर में एक बात बताना जरूरी है कि ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत है लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी बाहर नहीं आ सकते। सीबीआई ने उनको 26 जून को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका लगी हुई है, 17 जुलाई को उस पर सुनवाई होगी और जैसे प्रोसीडिंग चलेगी तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को कब जमानत मिलती है और उस आधार पर पता चलेगा कि कब वो बाहर आ पाएंगे। लेकिन अगर अंतरिम जमानत भी मिल गई है तो भी ये राहत है क्योंकि अभी आगे डिसाइड होगा कि जरूरत थी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की या नहीं थी। अब सीबीआई वाले केस में अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को ध्यान देना होगा। बिल्कुल, अभी सीबीआई की तो सुनवाई बाकी है लेकिन ईडी ये नहीं चाहती थी कि अभी केजरीवाल बाहर आए शरद, क्योंकि अभी हमने देखा मंगलवार को ही एक 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दायर की थी ईडी ने, उसमें कहा गया कि इस पूरे मामले के किंग पिन केजरीवाल ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे पहले जब सीबीआई ने केस शुरू किया था फिर ईडी ने केस टेक ओवर किया था, तो किंग पिन जो बताया गया था, जो मुख्य आरोपी बनाया गया था, वो मनीष सिसोदिया को बनाया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद से इसमें किंग पिन या सरगना जो है वो अरविंद केजरीवाल को बताया गया और उसी मामले में आज अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है, अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया और दिल्ली के राउज ऑफ कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की पेशी भी इसी मामले के अंदर होनी है। तो ईडी को तो आशीष जी ये एक झटका तो है ही कि जिसको किंग पिन बता रहे हैं, अभी अदालत ये तय नहीं कर पाई है कि वो उसको जो आपने गिरफ्तार कर लिया है घर से 21 मार्च की रात को, वो गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी, तो इस आधार पे ईडी को तो झटका ये है ही। जी देखिए, वो जो है गिरफ्तारी का मुद्दा तो अभी पेंडिंग है। झटका उसको इसलिए है कि उसके तमाम विरोध के बाद अंतरिम जमानत मिल गई। इससे पहले प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत इसी बेंच ने दी थी, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसी केस में जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम था जो लोगों को मिलता नहीं है। उसके बाद देखिए, अरविंद केजरीवाल का हवाला देते हुए बहुत सारे लोग आए लेकिन किसी को जमानत नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। हेमंत सोरेन को भी नहीं मिल पाई, उसी आधार पर मांग रहे थे वो भी, सब उसी आधार पर मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया सरकमस्टेंसेस ऑफ केसेस पे ये डिपेंड करता है। तो उन्हें उस समय लगा क्योंकि गिरफ्तारी का वक्त बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा था और वास्तव में गिरफ्तारी का वक्त जो है वो चुनाव था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बैलेंस करने के लिए अंतरिम जमानत दे देते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद एकदम से उनको सरेंडर करना था, उसके बाद भी वो आए थे कि नतीजों तक हमें दे दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। मेडिकल ग्राउंड पे भी एक हफ्ते का मांगा, वो भी नहीं दिया, तो उसको बैलेंस किया था। लेकिन यहाँ भी बैलेंस ही किया गया शरद, अगर आप इसको देखें तो कोई फैसला तो आया नहीं है, गिरफ्तारी अवैध थी, कब होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट अब इसे बड़े कैनवास पर ले गया। मतलब ये भी नहीं बोला है कि ईडी की बात सही थी, ये भी नहीं बोला है अरविंद केजरीवाल की बात सही थी। जी हाँ, लेकिन इसको बैलेंस किया गया है क्योंकि वो 90 दिन से जेल में है, गिरफ्तारी ठीक है या नहीं है ये तो अभी वक्त पता चलेगा। और कभी भी किसी केस में शरद, क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस को हम देखें तो उसका जो पुराना इतिहास होता है वो बहुत बड़ा काम करता है। और क्योंकि उनकी एक बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, चुने हुए नेता है, हमें भूलना नहीं चाहिए, तो उनका जो बैकग्राउंड है, वो दिल्ली के सीएम है, वो एक चुने हुए नेता है, वो एक उनका उनके ऊपर इस तरह का कोई क्रिमिनल उस तरह का केस नहीं है, पॉलिटिकल केस तो हमेशा होते हैं नेताओं पे, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर काम करता है। वो अभी ये तय होगा उनकी गिरफ्तारी, देखिए अब ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक मामला नहीं रहा है, ये मामला उससे कहीं बढ़ के हो गया है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा तो वो पहली चीज ये तय करेगा कि वो गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी, और उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ गाइडलाइन देगा किन किन आधार पर आईडी गिरफ्तार कर सकती है कि नहीं कर सकती, कि कहां जरूरत है कहां नहीं है। तो ये मामला जो है एक बड़े कैनवास की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आज की डेट में अरविंद केजरीवाल को इसलिए हम इसे राहत कहेंगे कि अगर उन्हें सीबीआई केस में जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत किसी भी तरीके से, तो तुरंत बाहर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये आखिर में बात यही है कि अब बस सीबीआई के केस पे अरविंद केजरीवाल को फोकस करना है, ईडी का केस तो फिलहाल के लिए बेंच बनेगी, उस पे आगे सुनवाई होगी और फिर उसमें तय होगा। न केवल अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी संभावना है कि एक गाइडलाइन बने और आगे जो भी आरोपी गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे या कैसे किए जाएंगे, इसको लेके एक बड़ी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। आरजू।